ठीक है, लास्ट क्लास में जो है वो हम लोगों ने एक कंप्लीट प्रोग्राम किया था। ठीक है, वो प्रोग्राम ये वो ग्रुप के ऊपर देखें, ऊपर डॉट लगाए, ग्रुप के ऊपर जाके उस प्रोग्राम पे डॉट लगाए ताकि वो आ जाए। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये इस तरीके से हमने जो है वो ग्रेडिंग का देखा था, ग्रेड हम लोगों ने असाइन किया था, फिर उसके बाद जो कमेंट्स भी जो है वो दिए थे। ठीक है, ये असाइनमेंट टू है, ये पार्ट वन है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लास में भी बाद में लगाया कि जिन्हें प्रोग्राम में डॉट वॉट लगाया। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक जो हमने तो अच्छे तरीके से देख रहा। ठीक है, हमारे पास जो है वो प्रोग्राम आप सब जो है वो मेरे साथ मतलब मेंटली मतलब लिसनिंग कर रहे हैं ना आप लोग, तो अगर जो लोग लिसन कर रहे हैं तो वो लोग को राइट करके बताएं कि वाकई आप मेंटली और तौर पर मेरे साथ हैं। फोर का कहा है मैंने, फोर राइट करके बताएंगे लोग मेरे साथ। सैयद अहमद और बस ताजिम अली, ये तीन लोग मेरे साथ राइट कर दिए। हाँ, मैं चैट चैट के ऊपर जो है ना फिर तो कर दूंगा शाम को, लेकिन फिर तुम क्या करोगे तुम जो है ना उसको राइट करके रन करने के सिलसिले में हो जाएगा। अच्छा भाई, अगर आपको जो है वो कोड पास जो है वो चलाना है या चला के देखना है, और बाकी में आप लोग जो है वो कंप्यूटर भी करते हैं, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि मैं एवरी वन पे जा रहा हूँ, एवरी वन इन मेकिंग, और ये मैंने जो है ना उसका लिंक भेज दिया है इसका स्क्रीन के ऊपर मैं। ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू ये मैंने भी सिलेक्शन वहाँ पे है, बाकी इसको मैंने कॉपी करा और ये भी मैंने जो है वो भेज दिया। तो अगर कोई ये दो पार्ट में आ रहा है, सही है, दो पार्ट में आएगा, ये एक पार्ट में आ नहीं सकता। बल्कि तुम एक काम करो, तुम लोग मैं इसके ऊपर डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि वो रुक रुक के आएगा, समझ में आप लोग होगा तो सही है। चल रहा मैं इसके ऊपर डॉट लगा रहा हूँ, ये जो है ना ये तुम लोग कॉपी पेस्ट कर लो मेरे पास। आपको पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ और जाके जो है कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो।
जिन्होंने मेरी बात अच्छे तरीके से सुन के समझ ली है वो लोग ये फोर राइट कर दे दोबारा। मेरे साथ वलीद आरिफ है, खाजिम है, कैसे आ यार आप एक बार लिख तो उसका पे जवाब नहीं देते, ये मुझसे अभी बात की है। और सुना की आवाज नहीं आ रही है, अब मैंने पूछा कैसी आ रही है। अच्छा जिन लोगों को अभी मेरी साउंड क्लियर है वो अगेन जो है वो 6 लिख दें, जिन लोगों को मेरी साउंड जो है वो क्लियर है। ऐसे जो मेरे साथ जो वो रेडी हो चुके हैं और चलो ठीक है। अच्छा जनाब अब जो है वो हम ये करेंगे इस प्रोग्राम को पहले, अच्छा वो आप लोग ना अभी कंपाइल वम्पाइल नहीं कीजिएगा उसको देख के जो ना, कोई उसके ऊपर साइंस अप्लाई नहीं कीजिएगा, आप पहले आप समझ लें कि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लूँ कि हुआ क्या क्या, तो फिर आप करेंगे तो फिर मैं आपका जहन उधर जाएगा। देखिए पहली बात तो ये इसमें हमने सारी बातें वो की थी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहली बात तो ये कि मैं प्रॉब्लम क्या मिला था, प्रॉब्लम ये था कि आप जो एक मार्कशीट का प्रोग्राम बनाए 3 नंबर 3 मार्क्स, नाम उसको होना चाहिए यूजर का या स्टूडेंट का, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें और फिर जो आप उसका ग्रेड कैलकुलेट कर दें। तो ये बेसिकली जो थी वो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो वो आपने जो रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दी, अब जो है वो रिक्वायरमेंट डिफाइन करने के बाद आपने क्या करा, आपने बोला मुझे जो है ये काम मुझे खुद करना है और खुद ये करना है कि 3 नंबर लेने हैं, टोटल परसेंटेज लेनी है, वो फ्लोट टाइप होगी स्ट्रिंग जो नेम होगा, और उसके बाद आपने यूजर से इनपुट्स लेना शुरू कर दिया जो भी ये आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। इसमें पहले आपने नेम लिया, नेम इसलिए ले लिया डायरेक्ट, इसके अंदर जरूरत नहीं थी आपको कंसोल रीड लाइन के अंदर स्ट्रिंग टाइप के लिए हमें जरूरत नहीं थी किसी भी मेथड की, कन्वर्जन मेथड की। लेकिन जब हम उर्दू वगैरह की बात करते हैं तो इसमें कैलकुलेशन चाहिए और उसकी टाइप से लोड है, लेकिन कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करता है सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट ले सकता है। तो हमने क्या करा, हमने जो कन्वर्जन स्टार्ट कर दी, एक टू सिंगल जो है वो क्या करेगा स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट के अंदर। तो ये एक स्टेप हो गई। उसके बाद इंग्लिश के लिए भी हमने ये किया, मार्क्स ऑफ इंग्लिश पूछा और इंग्लिश जो है वो कन्वर्ट करके दे दिया। तो उसके बाद मैथ के अंदर भी ये पूछा। अब ये जो है ना ये फेज टू है। फेज टू का क्या मतलब है, यहाँ पे जो है वो हमारा एक एक जो है वो पार्ट मुकम्मल हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट। और इसके लिए जो है वो हम ठीक है पार्ट वाइज अगर आप करें, और ये वाला जो पार्ट था ये डिक्लेयर करने का था, वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने का, ये कम्प्लीट हो गया था। ये सेकेंड पार्ट था, ये था इनपुट का, ये यहाँ से यहाँ तक जो था इनपुट हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला क्या है पार्ट है, ये वाला जो रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये सपोज कर लेते हैं ये पेपर में आए तो पेपर में आप कैसे सॉल्व कर, उसके बाद ये हमने क्या करा, ये प्रोसेसिंग कर दी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि तीनों को सम करके और हमने परसेंटेज के फार्मूले से परसेंटेज निकाल दी, और उसके बाद हमने क्या करा ये आउटपुट जो है वो दे दी कि नेम और परसेंटेज। लेकिन अब जो है वो हमें साथ में जो थी वो ये भी रिक्वायरमेंट थी, बल्कि आप जो है वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सही है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये अभी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अभी जो है वो जहन इधर रखा, सही है। जब मैं आपको कहूँ कि आप उसको जो है वो डिफाइन कर, ठीक है, ये जो हम ग्रेड को प्रिंट करा लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम जाएँ तो ग्रेड से पहले, बल्कि ये भी आप छोड़ें, आप जो है सारी चीज़ें एक साथ प्रिंट कराएं, क्योंकि आउटपुट जो है या हम इंफॉर्मेशन जब यूज़र को दे रहे होते हैं तो नॉर्मली उसका रोल ये होता है कि तमाम चीज़ें परफॉर्म करने के बाद फिर जो है वो हम इसको दे रहे होते हैं यूज़र को, ठीक है। ये हमने जो है वो उसकी परसेंटेज और साथ में उसका ग्रेड भी दे दिया, लेकिन मसला ये एक ग्रेड यहाँ दिया और एक ग्रेड यहाँ दिया, यहाँ का जो ग्रेड है उसको हम खत्म कर सकते, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास हुई हुई ये बात है
हमने ना आउटपुट सबकी सब आउटपुट जो है वो एक साथ दे दिए, ठीक है, ये हमने एक साथ आउटपुट दे दिए, ये क्या ये आउटपुट है, ये पार्ट वन है। इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने जो है वो डिक्लेयर सारे वेरिएबल्स करे थे। पार्ट टू में आपने ये इनपुट्स लिए, पार्ट थ्री में आपने क्या करा, प्रोसेसिंग की है। ये प्रोसेसिंग यहाँ खत्म नहीं हुई, हमने परसेंटेज तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उस परसेंटेज के बेस के ऊपर ये हमने पूरा इम्प्लीमेंट करके देखा था, एंड का ट्रूथ टेबल भी देखा था, और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो है दोनों कंडीशन ट्रू हो। जो मैंने आपको एक पिक्चर जो है ड्रॉ करके दी थी, जिसके अंदर हमने रेंज बनाई थी, और रेंज के अंदर हम देख रहे थे 77 जो कैसे जो फॉल करेगा, तो हमने देखा था ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस जो हमने एक लाइन बनाई थी, सही है। उसके बाद जो है फिर ये कंडीशन जो है अगर देखें इसके अंदर, वो अगर किसी ने पिक्चर जो है वो डाली हुई हो, वो वाली ना जो मैंने लाइन बनाई थी, ये तो टेबल हो गया था, ये वाली लाइन थी, ठीक है, ये लाइन बनाई थी ना, और ये कहा था कि देखेंगे जब 77 है तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अगर 77 है तो यहाँ पे जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ग्रेड ए नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये सेकंड वाली स्टेप है 78 87, ये क्या है, बी प्लस का है, यहाँ पे भी नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे ये ट्रू हो रही है 77, क्योंकि वो 72 और 78 के दरमियान आता है। इसका मतलब है ये कंडीशन पहली वाली 87 वाली फॉल्स हो जाएगी, ए वाली 78 और 86 की बी प्लस वाली जो है फॉल्स हो जाएगी। 77 इन दोनों के बीच में आएगा, 72 और 77 के बीच में, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेड जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है, अभी हम 77 ही सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ग्रेड ग्रेड के अंदर जो है वो क्या आ गया, ग्रेड के अंदर जो है वो बी आ गया। लेट्स अब हमने उसको क्या करा, कमर्स देने हैं कि अगर ए है तो उसको देंगे एक्सलेंट, अगर बी है, बी प्लस है तो गुड दे देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, स्विच यूज कर लिया, क्योंकि इसमें आप इसमें जो बी है, हमने जो एग्जाम्पल किया उस हवाले से बी पढ़ा हुआ है, तो पहले ये वाला केस जो है फॉल्स हो जाएगा, सही, इस पर नहीं जाएगा, बी प्लस है इस पर नहीं जाएगा, तीसरा वाला केस है इस पर चले जाएगा, और इस पर जाके जो है वेल डन लिख देगा, ठीक है। और जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो कोई और एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये स्विच से बाहर आ जाएगा। स्विच कहाँ है, स्विच स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ठीक है, और एंड जो है यहाँ पे हो रहा है, और स्विच के अंदर हमने किस वेरिएबल को कराया, ग्रेड को कराया। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जो है जब आप खुद लिखने के लिए बैठ रहे होते हैं और आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, तब आप ये सोच रहे होते हैं कि स्विच लिखूँ पहले या ग्रेड लिखूँ, सही है, और ग्रेड पहले लिख के उसके बाद स्विच लिख देते हैं, तो उसमें वो सिंटेक्स एरर जो है वो अगेन फाइव प्रैक्टिस आते हैं, ये आप करेंगे दो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चौथी दफ़ा आप खुद पढ़ने लगेगा, सही है। तो ये जो है ये अब क्या था, अब हमने यहाँ तक जो है उसकी कमेंट्स भी दे दी, सही है। उसके बाद जो है वो आपने बल्कि होना ही चाहिए कि ये जब आप उसकी जो है वो परसेंटेज शो कर दें ना, उसका नाम शो कर दें, और उसके बाद जो है वो नाम शो करने के बाद उसके साथ साथ जो है वो उसकी परसेंटेज भी शो कर दें, यानी ये जो दो इन्फॉर्मेशन अभी हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही, इसके बाद उसको बताएं कि ये वेल डन एक्सलेंट हो रहा है। अभी हमने थोड़ा सा लॉजिक जो है ना चेंज कर दिया, और लॉजिक जो है वो ये दे दी, ठीक है, और क्योंकि उसमें हमें प्रिंट नहीं कराना, इसके अंदर कोई अलग से चीज़ प्रिंट नहीं करानी, इसमें ये होगा कि वो ग्रेड लिखेगा बी, उसके बाद बी लिखने के बाद जब इसके ऊपर बी पे जाएगा तो वो खुद ही लिख देगा वेल्डन, और जो है उसको जो है वो आपके पास ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अगेन जो है इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर है तो वो रिमूव कर लेंगे पहले, उसके बाद इसको जो है वो रन करेंगे, ठीक है, कोई एरर जो है वो, अच्छा हाँ, ये एरर, पहली एरर तो ये कि हमने जो इसका एग्जीक्यूशन मोड ऑन करें इंटरेक्टिव, इसको स्टॉप करेंगे यहाँ से, इसकी इंटरेक्टिव जो है वो ऑन कर लेंगे ताकि ये इनपुट भी लें, हमारे स्टूडेंट का नाम वही है जो उस दिन था, यू ट्रिपल यू, और उसके बाद अभी हम 77 पे ही चेक करते हैं, पहले तीनों नंबर जो है तीनों मार्क्स 77 देंगे तो परसेंटेज भी 77 बन जाएगी, ठीक है, देखें योर नेम इज यू, परसेंटेज 77, ग्रेड इज बी, और वेल डन, ठीक है जी, अगर क्लियर है तो 7 लिख दें।
कुछ बच्चे बहुत मेरे साथ चल रहे हैं, वो एक एक चीज को नोट कर रहे हैं ना, और ये अच्छी बात है। और इसको बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा करना है, तो कुछ नहीं करना, क्लास के बाद सही है या दूसरी क्लास के बाद बैठ के इसको एक नज़र देखना है, सही है, कंपाइलर के ऊपर जाके राइट करना है और क्लियर कर लेना है हर कॉन्सेप्ट। तो अगेन कोई चीज़ जो अगर आप उसको टाइम देते हैं तो फिर वो आपको रिस्पेक्ट देती है। प्रोग्रामिंग को आप टाइम देंगे, प्रोग्रामिंग रिस्पेक्ट देगी। अगेन थोड़ी सी बात जो शुरू में रिपीट की थी कि ये रिवीजन है बहुत सारे बच्चों का ना, जो कि सेकेंड टाइम अगर है उनका, या सेकेंड टाइम जो अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई मसला नहीं, होता है सेकेंड टाइम, सही है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं 57 58 ऐसे भी करीब करीब भी रह जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जो है वो मसला ये है कि आपके पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो ए की है, B+ की है, B की है, सही, C को तो आप भूल ही जाए, C+ को तो भूल ही जाए, B को भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो B को भी भूल जाए, तो B+ की है और A की है। क्यों? आपको बहुत अच्छे तरीके से जो मिड टर्म के अंदर और फाइनल के अंदर एक एक दफा आप पढ़ चुके, सही है जी। अगर आपने उसको फर्ज करें कि आपने ऑनलाइन होने की वजह से 50% भी समझा है या पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों की लैब थी, लैब में तो प्रैक्टिकल होता है, तो कुछ ना कुछ हद तक इस वाइल और के लूप्स वगैरह आपने पढ़े हुए होंगे, तो उसका आप रिवाइज कर रहे हैं, जब आप रिविजन कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, सही है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जी आपको जो है वो फिजिकल क्लास के अंदर जो है वो टाइम दिया जाए एग्जाम की प्रिपरेशन का, मिड टर्म की, और पता चले जब आपके पास मिड टर्म होने के लिए जा रहा है तो किसी वजह से वो कैंसिल हो गया, अब वो अगले वीक या उस सफर से दूसरे दिन ही है, तो क्या होगा, आप जो है वो जाते के साथ ही जो जो आपकी उसकी कमी थी या आप सही तरह पढ़ नहीं सके थे मिड टर्म में, सबसे पहले जो है ना उसको पढ़ लेंगे। तो ये वो वाली बात, ठीक है। स्टूडेंट्स की मेरे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो दूसरे अटेम्प्ट के अंदर B+ और A जो है वो ले गए, बल्कि जो आपकी अटेंडेंस लिस्ट है वो भरी भी होनी चाहिए रिजल्ट का, A B+ मिनिमम हो तो B हो, इससे ज़्यादा नहीं, लाइन जो है वो ऐसी आ रही हो, तो फिर जो है वो आप देखेंगे। लेकिन ये है कि वो ये टाइम दें और फिर प्रोग्रामिंग आपको जो है वो टाइम देगी, टाइम क्या देगी, वो आपको मार्क्स रिटर्न देगी। अच्छा अब ये प्रोग्राम हमारा बन गया, बन गया, अब जो है हम ये करते हैं कि एक लूप जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर। लूप किस तरीके से करते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है यूज़र जब तक जो है वो इनपुट लेता रहे, जब तक जो है वो एक खास कंडीशन जो है वो ऑकर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो वो लूप की तरफ भी चलना पड़ेगा, लेकिन लूप से पहले जो हम कुछ और ऑपरेटर्स वगैरह हैं वो एक नज़र आना चाहिए। लूप से पहले सिर्फ दो ऑपरेटर्स हैं ये देख सकते। अच्छा होता है इसमें यह है कि लेट सपोज आप जो है वो ये चाह रहे हैं, जैसे फर्स्ट करें कि सी की वैल्यू जो है वो 10 है और सी के अंदर जो सी सी इज इक्वल टू C+5 जो वो राइट करें, तो आप मैं आंसर देगा कि अगर सी की वैल्यू जो वो 10 है और सी की जो वैल्यू उसके अंदर सी इज इक्वल टू C+5 राइट करें तो अब सी कितना बन जाएगा, इसका कोई आंसर दे सकता है? सी की वैल्यू अगर 10 है और उसके अंदर सी इज इक्वल टू C+5 राइट करें तो वो कितना बन जाएगा, कोई आंसर दे सकता है? गुड, एक आंसर आ गया, गुड, दूसरा आंसर आ गया, सही आया दोनों आंसर, तीसरा भी सही आ गया। दोबारा बोलना, सी इज इक्वल टू सी जो है वो 10 है ठीक, और मैं फाइनल लिखा सी इज इक्वल टू C+5, तो अब क्या बन जाएगा? अभी तक जो है तो उसने, वलीद ने और काजिम ने, ये आंसर तीन लोगों ने तो दे दिया। अच्छा मुनीब मैंने भी सही दे दिया, चलो आगे चलो, सही है, सी इज इक्वल टू 10 है और सी के अंदर मैं राइट कर रहा हूँ सी इज इक्वल टू C+5, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ये मेरा क्वेश्चन है। और मुझे जो चार, 1 2 3 4, कौस, वलीद, काजिम और मुनीब, इन लोगों ने आंसर दिया। अच्छा वलीद तो देते ही आंसर है, तो जब भी मैंने कहा था कि आप लोग जो है वो मेरा साथ देंगे, आप जो थोड़ा सा मेंटली यहाँ पे होंगे, तो ये तक नहीं बता रहा कोई कि सी की वैल्यू अगर 10 है और सी के अंदर जो हम 5+ कर रहे हैं, सी की वैल्यू 10 है और सी के अंदर जो 5+ कर रहे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा,
सही है, सामिया ने भी सही आंसर दे दिया। अहमद ने आंसर दिया है लेकिन थोड़ा थोड़ा आंसर ऊपर नीचे हो गया। नवीन ने भी सही आंसर दे दिया। सही। अच्छा बाकी जो है वो अहमद ने तो ट्राई करा, ये अच्छी बात है, अहमद ने ट्राई करा। चलें ठीक है। अच्छा तो बात ये है, एक मिनट में लिस्ट में तो देख लूँ आंसर कौन नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा। सामिया ने दे दिया, काजिम ने दे दिया, गौस ने दे दिया, मुनीब ने दे दिया, वजीद ने, अहमद ने, सब ने तो दे दिया। तो लोग हैं ही नहीं ना, आगे निकल जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। अच्छा खैर, अच्छा मैं कहना ये चाह रहा था कि सी इज इक्वल टू सी प्लस फाइव और सी इज इक्वल टू 10 है, ये है। तो अगर जो है वो मैं ये राइट करूँ, ठीक है, कि सी प्लस इज इक्वल टू 5, तो इन दोनों का जो है वो मतलब, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे, अगर मतलब एक होता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि सी जो है वो 10 है और सी प्लस इज इक्वल टू 5, ये मैं राइट कर रहा हूँ, तो अब जो है वो सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आप लोग बताएं, लिखना शुरू करें। सी 10 है और सी जो है सी प्लस इज इक्वल टू 5, अगर मैं ये राइट करूँ तो सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी। देखें मैंने आपसे कहा ये और ये सेम होता है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 5 को हम जो है वो सी प्लस इज इक्वल टू 5 भी कह सकते, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, तो सी 10 है। हाँ सही है, हवाना आंसर शुरू होगा। मुनीब ने सही दिया है, नमीर ने सही दिया है, ठीक है, वलीद ने सही दिया है, सामिया ने भी सही दिया, शान जो वो आ गएंगे, ठीक है। अब ये सारी भी बात हो गई ना, तो इसका मतलब आप लोग बात समझ रहे हैं। अब देखें इसको जो है वो डायरेक्ट राइट ही कर लेते हैं प्रोग्राम पर। INT का आई चला गया, तो आई आ गया, कॉपी पेस्ट में चला गया। अब देखें बात ये है कि सी इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब आपने जो है मेरे साथ चलना है, अगेन आप ये बात याद रखें, पहले मैं इसको ज़रा एक नज़र बता दूँ कि देखें इस बात को आपने याद रखना है कि सी जो है अगर फॉर एग्जाम्पल 10 है और मैं लिख दूँ सी इज इक्वल टू सी माइनस 5, तो ये कितना बन जाएगा, 10 में से 5 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 10 बन जाएगा, सही है ना। सी अगर 3 है और मैं लिख दूँ सी इज इक्वल, अच्छा इसको जो है सी इज इक्वल टू सी माइनस 5, अगेन मैंने कहा अगर ये 10 है और इसमें से मैं माइनस 5 छोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 ही बचे हैं ना, एक 10 था उसमें से माइनस 5 कर दूँ, तो इसको जैसे ऊपर प्लस इज इक्वल टू 5 लिखा था ऐसे ही जो है इसको माइनस इज इक्वल टू 5 राइट कर, और ये जो चीज़ें शॉर्टकट है अर्थमेटिक असाइनमेंट कहलाती है। अच्छा ऐसी सी अगर फॉर एग्जांपल 3 है और सी को तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं लिखूंगा सी इज इक्वल टू सी इंटू 5, तो अगर सी 3 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो वो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी इंटू पहले लिख दूँ इज इक्वल टू 5 लिख दूँ, तो इसका और इसका मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका भी मतलब वही होगा कि सी अगर 3 है और मल्टीप्लाई में 5 से करना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ अर्थमेटिक असाइनमेंट फॉर्म में। अच्छा सी अगर 50 है और मैं लिख दूँ सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 5, तो सी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सी डिवाइड इज इक्वल टू 5। अच्छा देखें ये सब जो है ना इक्वल टू एक साथ नीचे आ रहे हैं, हमें क्या सिर्फ उससे पहले जो है वो ये सिंबल लगाने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बात जिसकी जितने लोगों की समझ में आ गई वो 8 राइट कर दें, 8 सही है। ठीक है मेरे साथ जो है, ठीक है सब है, गुड।
अच्छा शान गुल नहीं है, शानुल। इसमें कोई लॉक सिस्टम भी होना चाहिए ना हमारे जूम में, कि बंदा आ जाए वो जा नहीं पाए बगैर पूछे बिना। वो बोले जैसे क्लास में होता है ना कि टीचर सामने खड़ा हुआ वो जा ही नहीं सकता बच्चा, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। उसका जो सिस्टम है उसके सिस्टम है ना सिर्फ जूम ही चल रहा है और सारी चीज़ें रुकी रहे जब तक वो बोले नहीं कि सर मैं चले जाऊँ। अब देखेंगे शान आते हैं और निकल जाते हैं, पता नहीं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वही होगी नेट की होगी, और थोड़ी देर के बाद फिर आएंगे। ये जो चीज़ है ये फिजिकल क्लास से बिल्कुल मुख्तलिफ। फिजिकल क्लास में कोई बच्चा ऐसा करे बार बार, उसको टीचर बोले भाई आप आराम से जो है ना बाहर रहे। अच्छा जी ये कंडीशन है, सी की वैल्यू हमने क्या करा है, इसको हम जो है ना एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जो है ना, चलो अभी 5 ही रहने, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर चलो 15 कर। अब ये बताओ सी अगर 15 है और हमने प्रिंट करा सी, तो वो क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा 15, सही है, यानी कि 15। ये हमारे पास जो है वो पहली आउटपुट आ गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम कर रहे हैं सी प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब उसमें हमने 5 जो है ऐड कर दिया, और फिर जो हम उसको प्रिंट करा लेंगे कि भाई उसके अंदर 5 ऐड हुआ है, या वो भी जो है वो फिजिकली या मेंटली हमारे साथ नहीं था सी। अच्छा फिर हमने क्या करा, 20 हो गया ना, तो 20 के अंदर सी माइनस इज इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब गया, सी इज इक्वल टू सी माइनस 5। ये मैंने बोला था हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं ना, यानी दोनों फॉर्म इस फॉर्म में लिख लें, या फिर ये कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो वो इस फॉर्म में सी इज इक्वल टू सी माइनस 5 या सी माइनस इज इक्वल टू 5, इसलिए हमने ये राइट कर दिया, ठीक है। तो अब जो है वो कितना आ गया, सी को जो प्रिंट कराया तो आपके पास 15 आ गया, ठीक है, 5 क्योंकि हमने माइनस किया। उसके बाद अब जो है वो सी इंटू, अच्छा अब 15 को आप इसमें कह रहे हैं कि 15 को ना सी इज इक्वल टू सी इंटू 5, यानी 5 से जो वो मल्टीप्लाई करना है, तो 75 होता है ना 15, हाँ 75, तो अब जो है वो 75 इधर आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप क्या कहना है, सी को जो है वो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 5, तो ये अगेन 15 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैंने कमेंट नहीं लगाया, तो क्या होगा, दोनों जगह कमेंट नहीं लगाया तो दोनों जगह एरर आ जाएगा, तो हमें इसको चांस ही नहीं देना चाहिए एरर का ना। अच्छा हम क्योंकि विजुअल स्टूडियो में नहीं है, हम इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जो है ना, अब जो है वो नहीं, 3 नहीं आएगा, 3 आएगा कैसा भाई, हमने वाला 75 को डिवाइड करना है 5 से, 75 को डिवाइड करेंगे 5 से तो दोबारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसको रन करते हैं, देखिए हमने आउटपुट पहले लिख लिया था, अब इसमें इंटरेक्टिव मोड ऑन करने की जरूरत नहीं, क्यों हमने कोई इनपुट ही नहीं दिया, एग्जीक्यूट करते हैं, एरर्स आ गए हैं, सही है, ठीक है। हमने जो कॉपी पेस्ट किया था तो उसके अंदर जो है वो क्लास आ गई, अच्छा क्लास के बाद मेन तो आया ही नहीं, सही है, तो मेन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, मेन इधर ही से निकल जाता है, बिल्कुल बराबर में उसके, सही बराबर ही से बोला। ठीक है अब ये मेन भी आ गया, ये आ रहा है भाई, ये आउटपुट आ रहा है। अरे ये आउटपुट ये हम देख सकते हैं अपना आउटपुट से, कैसे देख सकते हैं कि अगर हम इधर नीचे देखेंगे तो फिर ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर देखेंगे तो नीचे नहीं जाएंगे। हम ये करते हैं इसको कॉपी करके और इसको यहाँ पे जो है वो फॉरवर्ड सुरक्षित करते, बल्कि मैंने आपको बता दिया कि पैराग्राफ के अंदर जो हम राइट करते हैं, बल्कि ये तो आप उसके बाद ही लिख रहे हो ना, अब भाई देख लें आप लोग।
अरे ये जो मैं एस्टेरिक वगैरह लगा रही है पैराग्राफ के लिए लगा देंगे, पैराग्राफ समझते हैं। अब बताओ ये आउटपुट जो आया है और जो हमने कैलकुलेशन की थी वो तो सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वो हमने थोड़ा सही किया था। तो अब आप बताएं जिन लोगों की समझ में आया तो वो जो है 9 का मतलब होगा अच्छी समझ में आया, 8 का मतलब होगा उससे कम समझ में आया, 7 का मतलब होगा कि और कम समझ में आया। ज्यादातर गुड 9 होगा। ठीक है, तो अब ये वाले जो है ये मैं, ये क्योंकि आपकी अमानत है तो इसको जो है वो मैं दोबारा अमानत इस तरीके से कि या इस अमानत का ये मतलब नहीं कि ऐसी अमानत है कि मिड टर्म तक जो है वो आपकी अमानत है और आप जो इसको छू के भी नहीं देखोगे, मिड टर्म वाले दिन देखोगे एक दिन पहले, वो नहीं करना। अमानत ऐसी है कि अभी एक आध घंटे तक के बाद जो है इस अमानत है आप जो है इसको यूज कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सिंपल लिख के बताया। इस बार देखो एक दफा पढ़ लो क्लास के बाद आज ही, तो ये फिर आप भूलोगे नहीं। और इस किस्म के कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है पेपर के अंदर तो फिर जो है वो आपको कोई वो नहीं होगा कि आप जो है अगर फिजिकल है तो भी आप रिलैक्स रहोगे और अगर ऑनलाइन है तो उस सूरत में भी आप जो है वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जाओगे, सही है, आप खुद अपना आंसर खुद लिखोगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें होती हैं, तो एक नज़र आप देख लो। अभी हमने रिवाइज किया, पढ़ा है बहुत अच्छी तरह, सबने 9 लिख दिए, सिर्फ देखना है, एक नज़र अभी देख क्लास के बाद देखना है, एक दफ़ा जो किसी और वक्त जो है देना तो आपको फिर वो भूलेगा नहीं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो दूसरा प्रोग्राम हो गया है, ये इसलिए मैं डाल देता हूँ कि आप जो है आपके पास वो है कंपाइलर का, तो मैंने आपको जो है वो कल के कंपाइलर का भी एड्रेस जो है वो ग्रुप ही पे डाल देता हूँ, ताकि किसी को दिल चाह रहा हो कि आपको कंपाइलर कभी ओपन करने का, कभी कभी दिल भी चाहता है ओपन करके ही देखने की है क्या, तो उस सूरत के अंदर जो है आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये कंपाइलर का भी मैंने एड्रेस वगैरह डाल दिया, आप इसमें पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर चले जाओगे। ठीक है, अच्छा जनाब रह जाएंगे, एक एक मिनट, अच्छा 2 मिनट लगे, चले सही है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, देखते हैं पहले कौन कौन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार ये शान का समझ में नहीं आ रहा, ये 2 3 दफ़ा मैंने इसको लॉग इन भी किया है, अलाउ करा अंदर ये आते हैं और फिर कहाँ से निकल जाते हैं पता ही नहीं, इनको मैसेज करना, फिर ये मैसेज करेंगे कि सर कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा चलें ठीक है, अभी हम लोग ले रहे हैं ब्रेक, सही है, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जो है वो वी विल मीट आफ्टर 12 to 15 मिनट। कोई एक तो ओके लिख दिया करो यार, चलो एक ओके आ गया, ठीक ये भी तो पता चले आप भी रहे उधर जो है, मैं बोल 10 मिनट के बाद मिलते हैं, 12 मिनट के बाद मिलते हैं, वहां से कोई जवाब ही नहीं, इसलिए जो है आप इंटरेक्टिव रहा करो, मतलब इधर कुछ जवाब वगैरह दिखते रहा।